नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरदीप नैन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अपने YouTube चैनल पे डेली एक मैथ्स का क्लास होता है। आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हर एक मैथ्स का टॉपिक हमारे चैनल पे मिलेगा। यहाँ डेली मैथ्स का क्लास होता है, हम आपको हर एक टॉपिक बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा है परसेंटेज, और दोस्तों आज हम इस टॉपिक का डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर 5। इसके 4 पार्ट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने पहले वाले 4 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाकर आप पहले वाले 4 पार्ट्स देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उसके अलावा जो क्वेश्चन हम क्लास में डिस्कशन करते हैं वो क्वेश्चन हमारा टेलीग्राम पे चैनल है और फेसबुक पे पेज है। दोस्तों टेलीग्राम चैनल है और फेसबुक पे पेज है मैथ्स बाय हरदीप सर के नाम से, मैथ्स बाय हरदीप नैन सर के नाम से हमारा फेसबुक पेज है और टेलीग्राम चैनल है। ये आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, वहां पे आपको पीडीएफ की फॉर्म में नोट्स मिल जाएंगे, जो हम क्लास में डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस वो, और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस है हर एक एग्जाम में पूछे हुए वो वहां पे आपको बाई लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए करते हैं स्टार्ट आज का सेशन। हम लास्ट सेशन में 30 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे, 30 क्वेश्चन हमारे हो चुके थे। मैंने एक क्वेश्चन दिया था आपको, क्वेश्चन नंबर 31, जो आपको सेल्फ से करना था। अगर आपने वो नहीं किया है तो आज मैं करवा देता हूं, हो गया है तो बड़ी अच्छी बात है। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या दिया है, ए इज 25% मोर देन बी, कि ए जो है वो बी से 25% ज्यादा है। तो दोस्तों 25% ज्यादा होगा तो ये आ जाएगा आपका 5:4। ये मैं लास्ट क्लास में डिस्कशन कर चुका, ये रेशियो कैसे बनेगा। इसको आप 100 ले लीजिए, इसको आप 100 ले लीजिए, इसको आप 125, क्योंकि ये 25% ज्यादा है, कैंसिल करेंगे 5:4 आ जाएगा। बी जो है वो सी से कितना लेस है, उसने बोला 40% लेस, यानी कि यहां पे 100 रखोगे यहां पे 60 आ जाएगा। रेशियो निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 3:5। और इसी तरह सी का डी से रिलेशन दे रखा है। दोस्तों सी का डी से रिलेशन दे रखा है क्या, इसने बोला कि सी जो है वो 30% ज्यादा है, सी जो है वो 30% ज्यादा है डी से, तो याद आएगा सी से डी से रिलेशन। ठीक है, तो ये तीनों के रिलेशन एक दूसरे से दे रखे हैं। सबसे पहले तो इनका कोलाइज आपको करना पड़ेगा, चारों को इकट्ठा करना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है आपको कंपेयर करना है एक और डी को, सिर्फ ए और डी को कंपेयर करना है। यानी कि हमें सिर्फ चाहिए ए रेशो डी, हमें क्या चाहिए, ए रेशो डी चाहिए, क्योंकि हमें सिर्फ ए और डी को कंपेयर करना है। अगर हमें ए और सी को कंपेयर करना होता तो ए सी का रेशो चाहिए था, अगर हमें बी और डी का कंपेयर करना होता तो बी डी का रेशो चाहिए था। ठीक है, हम जिस रेशो चाहिए उस पर फोकस करते हैं। तो इसको बोला जाता है मिक्स्ड रेशो। मैं रेशो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक में इसको डिटेल में करवा चुका हूं, इसको बोला जाता है मिक्स्ड रेशो। मिक्स्ड रेशो निकलता कैसे है, आपको सिर्फ क्या करना होता है कि जो कॉमन है वो एक दूसरे के आमने सामने होने चाहिए, और पहले पहले डिजिट की मल्टीप्लाई कर लो, लास्ट लास्ट डिजिट की मल्टीप्लाई कर लो। पहले पहले डिजिट की मल्टीप्लाई करोगे, 5 का मल्टीप्लाई 3 में 15, 15 का मल्टीप्लाई 13 में 195, ये ए का वैल्यू आ जाएगा। लास्ट लास्ट का मल्टीप्लाई करोगे, 5 का मल्टीप्लाई 4 में 20 मल्टीप्लाई 10 200, यानी कि ए का वैल्यू आ जाएगा 195 और डी का वैल्यू आ जाएगा 200। बताना सिर्फ इतना सा था, ए इज लेस देन डी, कि ए जो है वो डी से कितना कम है, डी से कंपेयर करना है, डी से कितना कम है बताओ, कितने परसेंट लेस है बताओ, ये बताना था कितना लेस है, 5 किस में से, 200 में से, मल्टीप्लाई बाय करेंगे 100% के लिए, तो आपका जो आंसर रहेगा वो क्या आ जाएगा, 2.5%। जस्ट इतना सा क्वेश्चन था, नोट करिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको ये घर से करने के लिए दिया था, अगर आपसे हो गया था तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं हुआ था तो अभी नोट डाउन कर लीजिए फटाफट, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 32 में ए स्टूडेंट मल्टीप्लाई ए नंबर विथ 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3।
एक विद्यार्थी ने एक संख्या की गुना 5/3 की बजाय 3/5 से कर दी, यानी कि गुणा करनी तो थी 5/3 से लेकिन उसने कर दी 3/5 से। फाइंड हिज मिस्टेक परसेंटेज, उसने कितने परसेंट गलती कर दी। देखिए दोस्तों, जो उसका सही मेथड था, राइट वे था, उसको नंबर की मल्टीप्लाई करनी थी 5/3 से, लेकिन उसने गलती कर दी, उसने नंबर का मल्टीप्लाई कर दिया 3/5 से। यह बात इसने बोली है कि कोई नंबर था, हमें नहीं पता वो नंबर क्या था, उसका मल्टीप्लाई 5/3 से करना था लेकिन कर दिया किससे, 3/5 से। तो आपको बताना उसे मिस्टेक कितने परसेंट हुई। तो दोस्तों यहां पे एक ऐसा नंबर आप लेट कर लो, एक ऐसा नंबर आप लेट कर लो जो यहां तो 3 से डिवाइड हो जाए और यहां पे 5 से डिवाइड हो जाए, मतलब एक ऐसा नंबर लेट कर लो जो यहां 3 से डिवाइड हो जाए और यहां पे 5 से डिवाइड हो जाए, ताकि डेसिमल के चक्कर से हम बच जाए। तो मैं नंबर लेट कर लेता हूं 15। मान लिया मैंने कि जो आपका नंबर है वो क्या रहा था, 15 रहा था। तो देखो 15 का मल्टीप्लाई करते 5/3 में, तो यहां से ये 5 पे चला जाएगा, आपका आंसर आता 25। अगर हमने 15 का मल्टीप्लाई कर दिया 3/5 में, तो दोस्तों यहां से आपका आंसर आया 9। ये आपके आंसर्स हैं कि आपका आंसर आना चाहिए था 25, आया कितना 9। आपको बताना यही तो है कि कितने परसेंट का मिस्टेक हुआ, कितने परसेंट का मिस्टेक हुआ, यही आपको बताना है। तो देखिए 25 के बजाय 9 आया, कितना कम आया बताओ, कितना कम आया, कम आया 16। और किस में से कम आया, 25 में से। हमेशा कंपेयर करते हैं रियल वैल्यू के साथ, रियल वैल्यू 25 है और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोस्तों आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 64%। यानी कि उससे कितने परसेंट की मिस्टेक हुई, 64% की मिस्टेक हुई। बेहद आसान क्वेश्चन है, एक ऐसा नंबर लेट कर लो जो यहां 3 से डिवाइड हो जाए 5 से, कुछ भी कर सकते हो, 15, 30, 45, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उससे सिर्फ कैलकुलेशन बड़ी हो जाएंगी। आंसर 64 ही आना है, आंसर 64 ही आना है, ठीक है। तो क्यों ना हम छोटे से छोटा नंबर लेट कर ले, तो हमने 15 लेट कर लिया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 33। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 इसी तरह का क्वेश्चन ले लेते हैं। इसने क्या बोला, ए स्टूडेंट ड्रो ए एंगल ऑफ 93° 36' इंस्टेड ऑफ 90°। दोस्तों आपको एक बच्चे को 90° का एंगल बनाना था, लेकिन उसकी जगह पे उसने 93° 36' का एंगल बना दिया, 93° 36' का एंगल बना दिया। आपको बताना है उसे कितने परसेंट की मिस्टेक हुई, ये आपको बताना है। तो मुझे बताओ 90° की जगह 93° 36' का एंगल बनाया, तो मिस्टेक कितने की हुई, मिस्टेक हुई 3° 36' की, और किसके ऊपर, 90° के ऊपर, और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। ये बात मैं लास्ट क्लास में भी आपको बता चुका कि ये यूनिट जो है ये आपको इक्वल करनी पड़ेगी, ये इकाइयां इक्वल करनी पड़ेगी, मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि 1° में 60 मिनट होते हैं। दोस्तों 1° में कितने मिनट होते हैं, ये डिग्री का साइन है और ये मिनट का साइन है, 1° में 60 मिनट होते हैं, उसी तरह 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। इन चीजों का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो 1° में 60 मिनट होते हैं, मैं इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेता हूं, अगर 1° में 60 मिनट है तो बताओ 3° में कितने हो जाएंगे, 180, 180 मिनट हो जाएंगे, 180 मिनट और 36 मिनट कितने हो जाएंगे, 216 मिनट। ये मैंने मिनट में कन्वर्ट कर दिया। अब 1° में 60 मिनट है तो 90° में कितने हो जाएंगे, 90 गुना 60 करोगे तो 5400 आ जाएंगे और मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएंगी, 54 से डिवाइड करोगे तो ये आपका आ जाएगा 4%। यानी कि आपका जो आंसर है वो क्या है, 4% है। उससे कितने परसेंट की मिस्टेक हुई, 4% की मिस्टेक हुई। नोट करिए इसको, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको यूनिट इक्वल करनी है, ठीक है ना, ये नोट कर लेना अच्छे से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए दोस्तों क्या दिया गया, दिया गया इन एन एग्जामिनेशन ए गो 25% मार्क मोर देन बी, ए को बी से 25% ज्यादा मिले हैं, बी गो 10% लेस देन सी एंड सी गो 25% मोर देन डी, इफ डी गो 320 मार्क्स आउट ऑफ 500 देन फाइंड द मार्क ऑब्टेन्ड बाय ए। आपको डी के मार्क्स दे रखे हैं दोस्तों 320, डी के जो मार्क्स हैं वो 320 है,
जो आउट ऑफ 500 बोल रखा है वो 500 से हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मार्क्स से मतलब है। डी के जो मार्क्स हैं वो कितने हैं, 320। आपको जाना है ए तक, आपको ए तक वापस जाना है तो पहले सी पे जाना पड़ेगा। तो बताओ डी के अगर 320 है तो सी के मार्क्स इससे 25% ज्यादा हैं, तो कितने होंगे, 125/100। या आप ऐसा बोल सकते हो कि भाई अगर डी के मार्क्स 320 हैं तो सी के मार्क्स कितने होंगे, इसका 125%, यानी कि इससे 25% ज्यादा, ये सी के मार्क्स आ गए। अब इसने बोला बी के मार्क्स कितने हैं, सी से 10% लेस है, तो बी के मार्क्स कितने आएंगे, इसका 90%। और उसके बाद ए की बारी आ जाएगी, ए है 25% ज्यादा, तो यहां पे आ जाएगा फिर से 125%। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ए के मार्क्स आ जाएंगे। दोस्तों ये डी के मार्क्स थे, यहां से यहां तक ये सी के मार्क्स हैं, फिर यहां से यहां तक ये बी के मार्क्स हैं, और फिर कंप्लीट ए के मार्क्स हैं। सिंप्लीफाई कर लो, 320 इसका फ्रैक्शन वैल्यू होगा 5/4, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होगा 9/10, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होगा अगेन 5/4, 4 जा 16, 16 से कैंसिल करोगे 20, 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 10, 90 मल्टीप्लाई 5, 450, यानी कि ए के जो मार्क्स हैं वो कितने हैं, 450 हैं। दैट्स इट, आसान सा क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 35। देखिए क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 35 में दिया गया, एम्प्लॉई रेशो ऑफ कंपनीज ए बी एंड सी आर 4:5:6। ए बी और सी में एम्प्लॉई हैं दोस्तों 4:5:6 के रेशो में, यानी कि ए में 4 आदमी काम करते हैं, बी में 5 और सी में 6, ऐसा मान लो। इफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आर इंक्रीज बाई 25%, 30% एंड 50%, अगर 25%, 30% और 50% बढ़ा दिया जाए तो आपको नया रेशो बताना है। दोस्तों इसको जब 25% बढ़ाएंगे तो ये कितने परसेंट हो जाएगा, 125% रेशो। इसको जब 30% बढ़ाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसका 130% रेशो। इसको जब 50% बढ़ाएंगे तो ये इसका कितना हो जाएगा, 150%। दैट्स इट, आपको इतना सा करना है, रेशो निकाल दो, परसेंट से तो परसेंट कैंसिल हो ही जाएगा। अरे ठीक है, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, और कॉमन देखो क्या है, कॉमन 5 को निकालो, पहले 5 को निकालोगे यहां से, यहां पे आ जाएगा 25, यहां से 5 को निकालोगे यहां पे आ जाएगा 30। ओके, फिर आप 5 से डिवाइड कर सकते हैं, ये आ जाएगा 5, ये कितना आ जाएगा, ये 5 पे चला जाएगा 26, ये 5 पे चला जाएगा 6, ठीक है, और कॉमन है इसमें कुछ, 2 कॉमन है, 2 से कैंसिल करोगे ये 2 आ जाएगा, 2 से कैंसिल करोगे 13 आ जाएगा, 2 से कैंसिल करोगे 3 आ जाएगा, बस और कुछ भी कॉमन नहीं है, ये आपका 10 आ जाएगा, ये आपका 13 आ जाएगा, ये आपका 18 आ जाएगा, यानी कि उनका जो रेशियो है वो क्या है, 10, 13, 18। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है, कोई नंबर 25% बढ़ाया गया है तो वो 125% हो जाएगा, घटाया जाता तो वो माइनस हो जाता, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और दिखाता हूं आपको इस तरह का, मैं क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, ये क्वेश्चन आप खुद से भी कर सकते हैं। स्टूडेंट रेशियो ऑफ सेक्शन ए बी सी आर 5, 7, 8, 5, 7, 8 है। इफ नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज्ड बाय 40%, 50%, 75%, देन फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स। करिए फटाफट, 5 सेकंड देता हूं आपको, कर सकते हो इस क्वेश्चन को आप, कोई दिक्कत नहीं होगी, कर सकते हो, करिए। इसका जो आंसर है वो 2:3:4, आंसर जो है 2, 3, 4 है। देखिए आपको इतना सा करना है, पहले 5 थे, 7 थे और 8 थे, अब इनको कितना बढ़ाया गया, 40%, तो यहाँ पे 140 से मल्टीप्लाई कर लो। रेशो इसको कितना बढ़ाया गया, 50%, यहाँ पे मल्टीप्लाई 150 से कर लो। रेशो इसको कितना बढ़ाया गया, 75%, 175 से कर लो, ठीक है। रेशो निकाल दो, आ जाएगा 2, 3, 4, ठीक है दोस्तों। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 37। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिए फटाफट, सिंप्लीफिकेशन करने की कोशिश करो। बेहद आसान क्वेश्चन है, कर सकते हो। डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 1660, 1660 अंतर है दो संख्याओं का। इफ 6.5% ऑफ फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 8.5% ऑफ सेकंड नंबर, पहली संख्या का 6.5% दूसरी के 8.5% के बराबर है, आपको बताना है छोटा नंबर क्या है। देखिए वहीं से स्टार्ट करते हैं, 6.5% ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट नंबर मान लेते हैं ए है, इक्वल है 8.5% ऑफ
सेकंड नंबर, सेकंड नंबर मान लेते हैं बी है, तो फटाफट मुझे बताइए परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से ए बाय बी लिखूँ तो आप क्या बोलोगे, क्या आ जाएगा 85/65। इतना सा आपको पता होना चाहिए कि बी साइड आके डिवाइड में चला जाएगा 6.5, उस साइड डिवाइड में पॉइंट पॉइंट कैंसिल हो जाएंगे। 5 से कैंसिल करोगे तो ए रेशो बी है दोस्तों आपका कितना आ जाएगा 17:13, कितना आ जाएगा 17:13 आ जाएगा। अब इनका डिफरेंस आपको दिया था, देखो इनमें कितना डिफरेंस है, कितना डिफरेंस दिख रहा है आपको 4, इनमें डिफरेंस है 4 जो किसके इक्वल दिया है 1660 के, इनका डिफरेंस है 4 जो 1660 के इक्वल है। 1 की वैल्यू क्या आएगी, 4 से कैंसिल करिए, 4 4 16, 4 1 4 4 5 20, 4 1 5 आएगी। आपको बताना फाइंड द सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर क्या है 13 का वैल्यू बताना है, तो 4 1 5 × 13 कर लीजिए, कर लेंगे 13 5 जा कितना हो जाएगा 13 5 जा 65 6 9 1 या जाएगा 52 53, 5395 आपका आंसर है 5395, दैट्स इट, कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। 6.5% ए का, 8.5% बी के बराबर है, रेशो आ जाएगा, डिफरेंस दे रखा है इतना, 1 की वैल्यू आ जाएगी, 13 की वैल्यू आपको बतानी थी, समोलेश नंबर की वैल्यू बतानी थी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या दिया गया, रवि गोट 270 मार्क्स इन एग्जाम एंड ही फेल्ड बाय 45 मार्क्स, 270 नंबर उसको मिले, 45 नंबरों से वो फेल हो गया भाई। इफ मिनिमम पास मार्क इज 35%, जो मिनिमम पास मार्क है वो 35% है, यानी कि जिसके 35% मार्क्स आएंगे वही पास होगा। तो अब देखो कि रवि को कितने मिले 270, रवि को 270 मिले और वो फेल हो गया 45 से, मींस अगर उसको 45 और मिल जाते तो वो पास हो जाता, और पास होने का मतलब उसके 315 अंक आ जाते। अरे 270 उसको मिले थे, 45 से वो फेल हुआ था, अगर उसको 45 और मिल जाते तो वो पास हो जाता, तो पास हो जाता उसके मार्क कितने हो जाते 315, और वो परसेंटेज में कितने हैं 35, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 315/35। और इसने पूछा है हमसे मैक्सिमम मार्क्स, किसी भी एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स जो हैं आपको ध्यान रखना है हमेशा, मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो दोस्तों 100% के इक्वल होते हैं, परसेंटेज में मैक्सिमम वैल्यू किसके इक्वल होती है 100% के, तो 100% की वैल्यू आपको निकालनी है, मल्टीप्लाई कर देंगे 100, ये चला जाएगा आपका 9 पे, 9 का मल्टीप्लाई 100 में करोगे तो आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा 900। ये मैक्सिमम मार्क्स हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, नोट करिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, इसका थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 39 ध्यान से देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। देखिए क्या दिया गया है, मोहन गोट 25% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 30 मार्क्स, मोहन को 25% अंक मिले वो 30 अंकों से फेल हो गया, गोपाल गोट 40% मार्क्स इन सेम एग्जाम, उसी एग्जाम में गोपाल ने 40% लिए एंड हिज मार्क्स आर 45 मोर देन पास मार्क, उसके जो नंबर आए वो 45 ज्यादा हैं दोस्तों पास मार्क्स से, ठीक है। फाइंड मैक्सिमम मार्क्स एंड पास मार्क्स, आपको मैक्सिमम मार्क्स भी बताने हैं और पास मार्क्स भी बताने हैं। देखिए मान लीजिए दोस्तों ये लाइन है आपकी पास मार्क्स की, ये लाइन किसकी है पास मार्क्स की, मतलब जो इस लाइन पे पहुंच जाएगा वो पास हो जाएगा। अब इसने बोला कि मोहन को मिले 25%, जो मोहन था उसको मिले 25% अंक, और वो फेल कितने से हो गया, वो फेल हो गया 30 मार्क्स से, मतलब अगर उसको 30 मार्क्स और मिल जाते तो वो पास हो जाता, मतलब इस लाइन पे पहुंच जाता। दूसरा कैंडिडेट कौन है, दूसरा कैंडिडेट है गोपाल, उसके मार्क्स कितने आए 40% आए, और वो इस लाइन से कितना आगे निकल गया, उसने बोला 45 मार्क्स आगे निकल गया। ये दो पॉइंट आपको दे रखे हैं, बस ये छोटा सा ग्राफ आपको समझना है। तो दोस्तों मुझे जरा अगर बताओ, अगर ध्यान से देखें, अगर हम ध्यान से देखें तो मोहन से गोपाल तक का गैप जो है वो कितने परसेंट का है दोस्तों, वो बोलोगे आप 15% का है, कितना है 15% का है। और अगर मार्क्स के हिसाब से देखें तो यहां से यहां 30, यहां से यहां 45, तो कितने मार्क्स का है 75 मार्क्स का है, ओके। तो अब देखो 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी 75/15, और मैक्सिमम मार्क्स क्या होते हैं 100%, तो 100% की वैल्यू आ जाएगी मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये चला जाएगा 5 पे, यानी कि मैक्सिमम मार्क्स आपके आ जाएंगे कितने 500 आ जाएंगे, मैक्सिमम मार्क कितने आ जाएंगे 500। देखिए एक बार फिर इसके मैं पास मार्क आपको बताता हूं,
ठीक है, तो ये आ जाएंगे आपके मैक्सिमम मार्क्स। दोस्तों हमने क्या देखा कि यहां से यहां तक का जो गैप था आपका परसेंटेज में वो था 15% और मार्क्स का गैप देखें तो वो था 75, तो 1% की वैल्यू आ जाएगी और 100% होते हैं मैक्सिमम मार्क्स, तो आपके मैक्सिमम मार्क्स जो है वो क्या आ जाएंगे 500 आ जाएंगे। अब इसने हमसे पूछा है कि पास मार्क्स कितने थे, क्या पूछा है पास मार्क्स कितने थे। दोस्तों आप जैसे मर्जी निकाल लो, मैक्सिमम मार्क्स है 500, गोपाल को देखो कितने मिले 40%। अगर हम 500 का 40% निकाल लेंगे तो 500 का 40% होता है 200, 500 का 40% निकाल लेंगे तो 200 होता है, यानी कि इसको मिले हैं 200 और इसके मार्क्स जो हैं वो पास मार्क्स से कितने ज्यादा हैं 45, तो 200 में से 45 माइनस कर दो तो आपके पास मार्क्स जो हैं वो कितने आ जाएंगे 155। चाहो तो आप यहां से 25% निकाल के 500 का 25% निकाल के उसमें 30 ऐड कर सकते हो, आंसर वही आएगा। ठीक है, देख लीजिए इसको एक बार, नोट करिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन और करते हैं इस तरह का, ठीक है हो जाएगा यहां तक। चलिए एक क्वेश्चन और बतलाता हूं इस तरह का आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने है, थोड़ा सा चेंज किया है। कह दिया सीता गोट 40% मार्क्स एंड हर मार्क्स 20 मोर देन पास मार्क्स, इसके जो मार्क है पास मार्क्स से 20 ज्यादा है। गीता गोट 62% मार्क्स एंड हिज मार्क्स आर 152 मोर देन पास मार्क, उसके जो मार्क है 152 ज्यादा है पास मार्क्स से। फाइंड मैक्सिमम मार्क, यहां पे आपको मैक्सिमम मार्क बताना। देखो दोस्तों मान लीजिए ये आपके पास मार्क्स है, ये आपके पास मार्क्स है, इसने पहला कैंडिडेट दिया आपको सीता, कि सीता को जो मिले 40% मिले और उसके जो मार्क्स हैं वो यहां से कितने ज्यादा हैं, यहां से उसके मार्क्स ज्यादा 20। ठीक है, दूसरा कैंडिडेट आपके पास है गीता और गीता के जो मार्क्स है वो है 62%, कितने परसेंट है 62 और उसके यहां से कितने ज्यादा हैं, यहां से उसके मार्क्स ज्यादा है दोस्तों 152%, 152 मार्क्स ज्यादा है। अब आप लोग ध्यान से एक बात देखिए, अगर मैं इनके परसेंटेज का गैप देखता हूं तो इनके परसेंटेज का गैप कितना है 22%। अब मुझे बताओ फटाफट इनके मार्क्स का गैप कितना है, ये वाला गैप कितना है फटाफट बताओ। अरे इतना तो बता ही सकते हो कि यहां से यहां तक का रास्ता 20 किलोमीटर का है और यहां से यहां तक का रास्ता 152 किलोमीटर का है, तो ये वाला रास्ता कितने का बचेगा। अरे ये टोटल 152 है, इसमें से 20 निकाल दो तो ये कितना बचेगा 132 ही तो बचेगा, तो यही किसके इक्वल है 132 मार्क्स के। तो 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी 132 डिवाइड बाय 22 और आपको बताना है मैक्सिमम मार्क्स तो कितने होते हैं 100% मल्टीप्लाई 100, ये चला जाएगा 6 पे, तो आपके जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो कितने आ जाएंगे 600 आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, मैक्सिमम मार्क्स आ जाएंगे आपके 600। अगर यहाँ पे पास मार्क पूछे होते तो 600 का 40% निकाल देते, उसमें से 20 लेस कर देते तो आपके पास मार्क्स आ जाते। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है, देर आर सम कॉइन्स एंड रिंग ऑफ आइदर गोल्ड और सिल्वर इन बॉक्स, 60% ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आर कॉइन, 40% ऑफ द रिंग आर ऑफ गोल्ड एंड 30% ऑफ द कॉइन आर ऑफ सिल्वर, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ गोल्ड आर्टिकल। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, आज का सेशन यहीं पे पूरा करते हैं। आप लोग करके देख लेना, अगर आपसे हो जाता है बड़ी अच्छी बात है, नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कशन इसका करूंगा आते ही। ठीक है दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। ठीक है दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि और भी हमारे दोस्त इसका फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं अगले सेशन में, ओके बाय, टेक केयर।